महातस्त्र और आकाशतस्त्र में क्या अंतर है? है? महातस्त्र आकाशतस्त्र में अंतर क्या है? महत माने बड़ा, आकाश उतना बड़ा नहीं है। मैं तत्व तो बहुत बड़ा, इसकी सीमा ही नहीं। आकाश की तो फिर भी सीमा है, जहाँ पांच तत्व के पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश और इनसे भी परे परम धाम है। महत तत्व परम धाम है, महत्व माने बड़ा। बाबा बुद्ध में आता है आप रूप बसंत का सही बात। याद में बैठते हो तो चेहरा चमक जाता है, ये हो गया रूप। और जब ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते हो तो ज्ञान और गुण रत्नों की खुशबू निकलती है, वो है बसंत। जैसे बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, खुशबुएं ही खुशबुएं हो जाती हैं। तो ज्ञान की देवी निकलती है लक्ष्मी, चारों तरफ संसार में ज्ञान की खुशबू फैल जाती है, वो लक्ष्मी है बसंत। और बाप का जो रूप है याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है, भक्ति मार्ग में कौन सा रूप है? शिव बाबा का कोई रूप है? कौन सा? शंकर के रूप में वो ही है बसंत रूप। अब कृष्ण जो मिलेगा, इसका अर्थ ये है कि देवी देवता सनातन धर्म में ही कोई पास होने वाले हैं और कोई फेल होने वाले हैं। जो पास होने वालों की लिस्ट है वो सूर्यवंशियों की लिस्ट है, फुल पास। बाकी जो नंबरवार हो जाते हैं वो फिर कहे जाते हैं चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धिवंशी वगैरह वगैरह। उनमें भी जो चार तीन नीचे धर्म हैं, इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन, उनमें क्रिश्चियन है सबसे नीचे। उसकी राशि क्राइस्ट की राशि कृष्ण से मिलाई गई, अर्थात कृष्ण ने अपने जीवन में जो भी चरित्र किए हैं वो क्राइस्ट के जीवन से मिलते जुलते हैं। राम के जीवन में दिखावा नहीं है और कृष्ण के जीवन में दिखावा है। और बाबा एक क्षण, हम प्रत्येक आत्मा भी तम प्रधान है और प्रकृति भी तम प्रधान है। हम तो पुरुषार्थ के आधार से तम प्रधान से सत्य प्रधान बन गए, लेकिन ये जो प्रकृति और प्रकृति का सलाह सुजलाम सुफलाम होगा, प्रकृति और पुरुष पुरुष पुल्लिंग है और स्त्री स्त्रीलिंग है। दोनों के बीच में पावरफुल कौन है? है पुरुष पावरफुल है। पुरुष पावरफुल जब तामसी बन जाता है तो जो प्रकृति सहयोगी है पुरुष की,
सहयोग करने वाली है, सहयोगिनी है, वो भी तमो प्रधान बनेगी या नहीं बनेगी? अभी पुरुष अर्थात जगत पिता तामसी बन गया, तो जब जगत पिता तामसी बनता है तो प्रकृति भी तामसी बन जाती है। फिर भगवान बाप आते हैं तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने के लिए, काय में आते हैं, प्रकृति में आते हैं या पुरुष में आते हैं? पुरुष में आते हैं, पुरुष को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए। पुरुष जब सतो प्रधान बने तो उसकी याद का वाइब्रेशन प्रकृति को प्रभावित करता है, ज्ञान प्रकृति को प्रभावित नहीं करेगा। क्या याद की पावर प्रकृति को प्रभावित करेगी? प्रकृति को प्यार चाहिए या ज्ञान चाहिए? ज्ञान नहीं चाहिए, प्रकृति को प्यार चाहिए, प्यार भी सच्चा साफ चाहिए या विचैला चाहिए? सच्चा प्यार चाहिए। तो प्रकृति और पुरुष, ये स्त्री और पुरुष का जैसे कि मेल है, सत्युग में मेल हो जाता है, त्रेता में मेल हो जाता है, द्वापर कलयुग में दोनों बेमेल हो जाते हैं, इसलिए राजसी और तामसी बन जाते हैं। प्रकृति में मनुष्य भी है और सभी जीव जंतु भी है। चैतन्य जीव जंतु भी हैं और जत्वमयी वस्तुएं भी हैं। ये तामसी और राजसी और सात्विकी कैसे बनती है? मनुष्य तो मन बुद्धि वाला है, मन बुद्धि के आधार पर अपने मन को कंट्रोल कर लेता है। संसार की जो जड़ वस्तुएं हैं और चैतन्य प्राणी हैं जिनमें मन बुद्धि नहीं है, वो सात्विक कैसे बनते हैं? क्योंकि मनुष्य का मन का और बुद्धि का जो वाइब्रेशन है, जब एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है तो बहुत तीखा हो जाता है। इतना तीखा हो जाता है जैसे नेहरू जी के लिए गायन है, उनका कोई कितना भी प्रतिवाद करने वाला हो, बुराई करने वाला हो, ग्लानी करने वाला हो, जब उनके सामने पहुंचता था तो उनके वाइब्रेशंस के प्रभाव में आकर के उनकी महिमा गाने लगता था। वो तो नई आने वाली सोल है, ये एक आत्मा की बात नहीं है। जो भी नई आत्माएं अभी उतर रही हैं, उन सभी नई आत्माओं का यही हिसाब है। जो भी उनके सन्मुख आते हैं वो उनके प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं। तो बाप के सन्मुख बैठने वालों की भी कोई विशेषता होगी कि नहीं होगी?
उनका भी टाइम है। जब बाप संसार में प्रत्यक्ष होगा तो बाप के बच्चे भी संसार में प्रत्यक्ष होंगे और उन बच्चों के प्रभाव से सारी दुनिया प्रभावित हो जाएगी, जड़ जंगम सब प्रभावित होने लग पड़ेंगे। जड़ प्रकृति ज्ञान से प्रभावित होगी या याद से प्रभावित होगी, वो भी विविचारी याद न हो, अब विविचारी याद स्वच्छ याद। ज्ञान मार्ग का शिखंडी काम शिखा अंडे, शिखा माने चोटी, जैसे बाबा कहते हैं तुम हो चोटी के ब्राह्मण, ब्राह्मणों की जो चोटी हुआ करती थी वो गाय के खुर के बराबर होती थी। क्या सारे सर के बाल होते थे या जो बाल गाय के खुर के होते थे वो होते थे? गाय के खुर के बराबर चोटी के बाल होते थे। तो तुम वो ही बाल हो, चोटी के बच्चे। देवताओं को चोटी का नहीं कहेंगे, तुम जब भक्ति मार्ग के दलदल में पूरे ही डूब जाते हो तब तुम्हारी चोटी बचती है, तो चोटी पकड़ करके खींच लेता हूं। अब बताओ चोटी पुरुषों को होती है या चोटी स्त्रियों को होती है? है मोस्टली किसको होती है? अब आज की दुनिया में कलयुग में वो तो द्वापर में ब्राह्मण हुआ करते थे ऋषि मुनियों के आश्रम में, जो गाय के खुर के बराबर चोटी रखते थे। आज कोई यहाँ बैठा हुआ है क्या? है नहीं तो चोटी तो कन्याओं माताओं को होती है, तो जरूर कन्याओं माताओं में से ही कोई चोटी का ब्राह्मण है जिससे वो चोटी का ब्राह्मण जन्म लेता है। शिव बाप आते हैं तो पहले किसकी रचना रचते हैं? है तीन देवताओं की रचना रचते हैं। कौन कौन से तीन देवता हैं? ब्रह्मा विष्णु और शंकर। तो पहले किसको रचते होंगे? ब्रह्मा। ब्रह्मा का अर्थ क्या है? बड़ी माँ। ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ। तो वो बड़ी माँ चोटी हो गई और उससे पैदा होने वाला जो ब्राह्मण है प्रजापिता वो हो गया चोटी का ब्राह्मण। क्या पूछा था? शिखांडी समझ में आ गया? कौन हुआ शिखांडी? नहीं अरे अंडा में से बच्चा निकलता है या ऐसे ही? बच्चा जब पैदा होता है तो भी अंडाकार जेर आता है ना, उसमें से बच्चा निकलता है।
ऐसे ही अंडा होता है, भले मुर्गी का अंडा हो उसमें से बच्चा निकलता है। अंडा नहीं होगा छिपकली का, छोटा सा अंडी होगी तो उसमें से बच्चा निकलेगा। अंडी, अंडा नहीं कहा, क्या कहा? अंडी। उस अंडी से निकलता है पहला ब्राह्मण बच्चा, प्रजापिता। तो वो शिखा कौन सी हुई जिससे अंडी पैदा होती है? हैं? ब्रह्मा। वो कौन सी ब्रह्मा? आदि ब्रह्मा या बाद वाला ब्रह्मा? आदि ब्रह्मा। वो हो गई शिखंडी। और हाँ, जितने भी मनुष्य मात्र दुनिया में हैं, उन मनुष्य मात्र के बीच सबसे छोटा रूप धारण कौन करता है? सूक्ष्म रूप कौन धारण करता है? हैं? प्रजापिता। जो सूक्ष्म रूप धारण करता है वो ही फिर बड़े से बड़ा रूप भी धारण कर लेता है। अति सूक्ष्म से सूक्ष्म और अति बड़े से बड़ा। जैसे बीज अति सूक्ष्म होता है और उसका वृक्ष बहुत विस्तार में चला जाता है। विस्तार को कहते हैं विराट, विराट नाटक, विराट वृक्ष, भगवान का विराट रूप। विराट माने अति विस्तार को पाया हुआ, सारी दुनिया जिसमें समाई हुई दिखाई पड़े। अशुद्ध अहंकार का मतलब क्या है? अशुद्ध अहंकार, अशुद्ध धाम, अशुद्ध अहंकार, अशुद्ध अहंकार, अशुद्ध अहंकार। एक आदमी अशुद्ध अहंकार है। दुनियावी बातों का जो अहंकार आ जाता है वो है अशुद्ध अहंकार। और बाप जो बताते हैं तुम आत्मा हो, वो हुआ शुद्ध अहंकार। परमात्मा बाप के बच्चे हो। और जीवन और आत्मा ये अलग है नहीं? जीवन तब कहा जाता है जब आत्मा जीवित रूप धारण कर ले। जीवित उसे कहा जाता है जो हलन चलन में आता हुआ दिखाई दे। बोलता चालता हो, उसे जीवित कहा जाता है। आत्मा न बोलती है न चलती हुई दिखाई देती है। परमधाम में आत्माएं तो हैं, लेकिन चैतन्य है या जड़ है? जड़ है, इसलिए वहां जीवन नहीं हो सकता। जीवन होने के लिए पांच तत्व चाहिए। ये पांच तत्वों का पुतला इस संसार में बनता है। उस पुतले में
जैसे गर्भपिंड होता है, उस गर्भपिंड में 4-5 महीने के बाद आत्मा प्रवेश करती है, तो 4-5 महीने से पहले निर्जीव गर्भपिंड है, मांस का लोथड़ा है, उसे जीवन नहीं कहेंगे, हलन चलन नहीं है। फिर जब हलन चलन होती है तो माता को अनुभव होता है कि कोई आत्मा ने प्रवेश कर लिया, उसे जीवन कहेंगे, जीव कहेंगे, जिंदा कहेंगे। जैसे मुर्दे में से आत्मा निकल गई तब मुर्दा कहा जाता है, अगर उसमें आत्मा है तो मुर्दा नहीं कहेंगे। जीवात्मा कहेंगे। और परम धाम का अन्य एक नाम सोलह महत्वपूर्ण उष्मा मतन में बेल आदि होते ही नहीं, बेल अर्थात मेल, भागीरथी को मेल दिखाते हैं। भागीरथ को मेल दिखाते हैं, भागीरथी को नहीं। जो बैल दिखाया है वो स्वयं ब्रह्मा ही है, शिव भाग्यशाली रथ में प्रवेश करते हैं। जिस भाग्यशाली रथ में प्रवेश करते हैं वो भाग्यशाली रथ पुरुषार्थ संपन्न होने के बाद बैल पर सवारी करता है, तो बैल भी भाग्यशाली बन जाता है। जैसे शिव बाप आते हैं तो आप समान बनाते हैं, क्या बना देते हैं आप समान, भगवान भगवती बनाए देते हैं। ऐसे ही शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं, भगवान भगवती का टाइटल धारण करने के बाद स्वयं तो विष्णु का रूप है ही, लेकिन वो बैल भी कौन सा रूप बन जाता है, विष्णु का रूप बन जाता है। शिव बाप का बच्चा शंकर और शंकर का बच्चा कृष्ण ब्रह्मा, रामधनी अपना खाने के टाइम, सोने के टाइम और पीने के टाइम की बात कहाँ रहती है? बैल एक है या बैल दो हैं? दो बैलों की जोड़ी है या एक ही बैल है? बैल तो दो हैं, गाड़ी में भी बैल जोते जाते हैं तो दो बैल होते हैं मोस्टली, या एक बैल होता है? दो बैल, एक आ आ, एक टिक टिक। एक सीधी चाल चलने वाला श्रीमत के अनुकूल, और एक को टिक टिक करनी पड़ती है, सीधे सीधे ज्ञान की बातों को ग्रहण नहीं कर पाता। तो जो टिक टिक है वो दूसरा बड़ा बैल है। बड़ा से देह अभिमानी सांडा कौन सा हुआ?
दाई ओर वाला या बाई ओर वाला? बाई ओर वाला टिक टिक कहा जाता है। समझ में आ गया है? ऐसे जी हाँ कर दिया। हाँ हाँ जी। और शैतानी देता जाता है और हाँ बाबा बाबा करता जाता है। कान पकड़। हाँ रुक जाओ, इसकी बात सुन लेने दो। हाँ सरस्वती ब्रह्मा जो है संगम में पर भक्ति मार्ग में दोनों को जुगल भी बना दिया। भक्ति मार्ग में जुगल बना दिया क्योंकि साथ साथ बैठे हुए हैं ना, इसलिए समझ लेते हैं कि ये जुगल होंगे। अरे साथ में बाप के बेटी भी तो बैठ सकती है, लेकिन लोग हैं देह अभिमानी तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। और चक्र व्यूह, व्यूह माने जिसकी रचना की जाए, और चक्र माने ज्ञान का चक्र। ये चक्र भी वो माया रचती है, माया भी पुरुष रचते हैं, देह अभिमानी गुरु रचते हैं या भगवान रचते हैं? है देह अभिमानी गुरु लोग जो हैं वो चक्रव्यूह की रचना करते हैं। भगवान तो कहते हैं मैं जिस चक्र की बात करता हूँ वो तो स्वदर्शन चक्र है, उसकी व्यूह अर्थात उसकी रचना नहीं की जाती, वो तो सदैव बना बनाया है। और है राम जब वनवास गए थे तो राम लक्ष्मण सीता गए थे, तो अभी हमको पता मिल गया है राम की, तो लक्ष्मण सीता का भी तो राम का मिला है। है लक्ष्मण जी कौन से आपको मानते हैं? हम लोग को पता नहीं चला। लक्ष्मण उसे कहा गया है जिसने लक्ष्य को मार लिया, अपना बनाई लिया। ऐसी कौन सी आत्मा है जो सदैव राम के साथ ही रहती है? है ब्रह्मा। राम के साथ कौन दिखाया गया है? लक्ष्मण। प्रसिद्ध दो अवतार दिखाए गए हैं मानवीय रूप में, एक राम और एक कृष्ण। कृष्ण के अवतार के रूप में भी साथ में कौन दिखाया है? बलराम। वो बलराम भी साथ ही है। रामायण में उसे छोटी भाई के रूप में दिखाया गया, और महाभारत में भागवत में बड़े भाई के रूप में दिखाया गया। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन साथ ही हैं। जैसे बाबा कहते हैं दो हैं साथी, बाप और दादा, राम और कृष्ण। शरीर एक है लेकिन आत्माएं दो हैं। लक्ष्य यही है जीवन का कि सदैव साथ ही बनकर के रहें, कभी बिछड़े हुए न हो। और हाँ
दानवीर हरिश्चंद्र और दानी कर्ण और दानी बलि। हाँ, भले इन्होंने सब कुछ दान दिया, दान देने में थोड़ा थोड़ा अंतर है। राजा बलि को अहंकार रहा, थोड़ा सा भी अगर अहंकार है दान देने वाले में कि मैं सब कुछ दाता हूं, तो वह अहंकार नीचे गिरा देता है। बाकी हरिश्चंद्र दानी, कर्ण भी दानी था, इसमें भी अंतर है। तो ये अंतर ही अहंकार का रूप दिखाता है। हरि तुलसी क्या नहीं करती है? हरित तुलसी पूजी जाती है और काली तुलसी पूजी नहीं जाती। इस्लाम धर्म में चली गई होगी इसलिए नहीं पूजी जाती है। काली हो गई होगी माने विचारणी बन गई इसलिए पूजी नहीं जाती है। है पांच अमृत कहे जाते हैं। गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, गोबर पंचगव्य में है। जब अमृत कहा जाता है तो उसमें चीनी मिलाते हैं और शहद। पंचगव्य कहा जाता है गाय के पांच अमृत, उसमें गौमूत्र भी है और गोबर भी है। घी दूध दही तो है ही है। और पंचामृत जो कहा जाता है उसमें गौमूत्र और गोबर नहीं है, क्या है उसकी जगह शहद और मिष्ठान है। गुड़ कहो, चीनी कहो, मिश्री कहो, मधु कहो। बाबा माया बैठी है, माया बैठी है तो माया को बाप के घर को आने का अधिकार है। हाँ, उसके कोई लोग नहीं रखता। तो मधुबन में आती है ना माया? मधुबन में माया आती है कि नहीं आती है? बाप की बेटी है तो घर में आने का अधिकार है या नहीं है? है तो बच के रहो। बाबा ये शिवरात्रि फील्ड में कुछ नया था जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, नया जब ज्ञान मिल जाता है कोई नया भाई व्यक्ति का, फिर सेंटर इंचार्ज के पास जब वो जाते हैं तो पूरा कम्प्लीटली कुछ 13 महीना बाद जब वो सेंटर इंचार्ज वो भाई को कर देता है तब वो भाई माना डायरेक्ट भी हॉबी हो जाता है वो सेंटर इंचार्ज के ऊपर। और उसी समय भी बाबा सेवा के फिल्म में जब हम भी हाजिर होते हैं तो फिर वो बोलते हैं तुम्हारा बाबा क्या ऐसा ज्ञान देते हैं, वो पूरा कम्प्लीट सिस्टर को इतना सम्मान देते थे लेकिन अभी सम्मान से नहीं बात करते हैं। तो यही सिचुएशन में उनके साथ क्या बातचीत करना है?
सब तरह के होते हैं, कोई एक तरह के होते हैं? क्या बेसिक में ऐसे नहीं होते थे? हैं? फिर दुनिया में ऐसे नहीं होते हैं? तो ये तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, नाम का एक नाम ये सौरभ महासत्व, सत्य तत्व क्या है? सत्य धाम, हाँ, सत्य धाम का मतलब है जहाँ सत्य ही सत्य है। चित्त चैतन्य नहीं है और आनंद भी नहीं है, चैतन्य भी नहीं है, आनंद भी नहीं है, सिर्फ सत्य ही सत्य है, अर्थात शांति ही शांति है, आत्मा ही आत्मा है, वहां सुख और दुख दोनों ही नहीं है। सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान। तमो प्रधानता से आता है दुख, घोर दुख आता है, तो वहां दुख नाम की चीज नहीं है। रजो प्रधानता भी नहीं है, सिर्फ ही सत्य ही सत्य। तो क्या चाहिए? सिर्फ सत्य ही चाहिए, शांति ही शांति चाहिए, या आनंद भी चाहिए? है, आनंद भी चाहिए। किसको? भोगी को या सदा योगी को? सदा योगी को। आत्माएं जो हैं वो सदा योगी बन सकती हैं? हैं? एक परमपिता परमात्मा है जो सदा काल का योगी है, उसे भोग वासना की बिल्कुल दरकार नहीं, अभोक्ता। और हम आत्माएं, हम आत्मा तो भोक्ता हैं, इसलिए सत्य धाम सदैव नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं? कि जीवन भी रहे और जीवन में सुख शांति भी रहे, आनंद भी रहे, दुख हमें न मिले। और दोनों मिक्स होकर के ग्रह कहे जाते हैं। ग्रह तब कहा जाए जब बाप भी हो, बेटा भी हो, पुत्र भी हो, पौत्र भी हो, तब घर गृहस्थ कहा जाता है, माता भी हो। और अभी बोला है ज्वालामुखी, तुमको ज्वालामुखी बनना है, है? अभी ये ज्वालामुखी में ये रखा है तो ज्वालामुखी बनना है। ज्वालामुखी, हाँ, ज्वालामुखी बनने का मतलब ये है योग की अग्नि को तीव्र करना है। एक धीमा धीमा योग होता है, थोड़ी याद आ गई, फिर दुनिया की याद आ गई, फिर थोड़ी याद आ गई, फिर दुनिया दुनिया के चक्कर चल गए, तो उसे तीव्र योगी नहीं कहेंगे। यह तीव्र योग हो जाए तो निरंतर हो जाएगा, और निरंतर अग्नि जब जलेगी, तीव्र अग्नि जलेगी, तो उसमें पाप कर्म बस हो जाएंगे। तो ज्वालामुखी फटेगा तो हद में फटेगा या हद में फटेगा? ज्वालामुखी हद में भी है तो बेहद में भी है। जो फटने वाली ज्वालामुखी है वो अग्नि है। अग्नि है कि योगाग्नि है? योगाग्नि फटती है, है? योगाग्नि फटती नहीं है। जो क्रोध अग्नि है वो फट पड़ती है। और अभी बाबा डायरेक्ट आए हैं और जो कुछ लेना है डायरेक्ट ईश्वर से लेना है, हाँ। फिर बोला कि डायरेक्ट ईश्वर कुछ नहीं देता है, माताओं के थ्रू देता है।
तुम ईश्वर का अर्थ ही नहीं जानते हो। ईश माने शासन करता और वर माने श्रेष्ठ। ये कोई से भेंट की गई या नहीं की गई? भेंट इस दुनिया में की जाती है या परमधाम में की जाती है? इस दुनिया में जो शासन करने वाले हुए हैं, उन शासन करने वालों में सबसे श्रेष्ठ शासन करने वाला, उसको कहते हैं ईश्वर। दोनों शब्द मिलने से होता है ईश्वर। ईश्वर सबसे श्रेष्ठ शासन करता है। तो वो साकार है या निराकार है? साकार निराकार का मेल है, उसे कहेंगे डायरेक्ट। परमधाम में बैठा है तो इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है? परमधाम में बैठे बैठे जो इस दुनिया में सूरदास, रैदास, तुलसीदास को साक्षात्कार हुए, वो डायरेक्ट साक्षात्कार हुए या इनडायरेक्ट हुए? इनडायरेक्ट हुए। अरे डायरेक्ट कहा ही तब कहा जाता है जब वो निराकार साकार में आए, तब ही डायरेक्टर है। एक्टर है या नहीं है? है, है? आज एक्टर इस दुनिया में होगा या परमधाम में होगा? तो इस दुनिया में जब आता है तब ही डायरेक्टर है। डायरेक्ट एक्टर भी तब ही है, एक्टर भी तब ही है, मुख्य एक्टर भी तब ही है। परमधाम में बैठकर न डायरेक्टर है, न एक्टर है, न क्रिएटर है। और है बाबा जो अच्छे से जो मन करते मुझे जो भी आता है सामने, उसके सामने गुस्सा आने लगता है। तो वही स्थिति रहने के लिए अच्छा लगता है। ज्यादा गुस्सा नहीं चलिए, बात करने के लिए मन नहीं करता। बच्चा समझ के शांत कर दो। बच्चा होता है, नाक मुंह आंख कान नोचता है तो गुस्सा आता है, है? छोटा बच्चा तो फिर ऐसी स्टेज बना लो। हाँ अभी उससे पहले ये डिस्कशन होता था चित आनंद, चित और आत्मा, सुख और शांति, सुख और आनंद, ये तो अनुभव की चीज है। हाँ? ये तो अनुभव की चीज है। हाँ, उसको अनुभव किया जा सकता है, लेकिन सत के बारे में क्या नेचर क्या हो सकता है जिसे उसको अनुभव किया जा सकता है? सत्य असत्य का अनुभव नहीं किया जा सकता है। सत्य और असत्य का अनुभव किया नहीं जा सकता। अरे भगवान आकर जो ज्ञान सुनाया, वो एक एक वाक्य, एक एक हिज्जा सत्य मालूम पड़ा या असत्य मालूम पड़ा? तो ऐसे तो नहीं कह सकते कि सत्य को अनुभव नहीं किया जा सकता। ना ना, हमने इसे नहीं बताया अनुभव नहीं किया, कैसे अनुभव किया जा सकता है? आनंद और सुख को भी अनुभव किया जा सकता है, दुख और सुख को भी अनुभव किया जा सकता है, सत्य और असत्य को भी अनुभव किया जा सकता है। असत्य टिकने वाला नहीं है और सत्य सदैव टिकने वाला है। सत्य को कोई हिला नहीं सकता, असत्य भाग खड़ा होने वाला है। चित्र में चार राजा है और चार रानियां भी दिखाई है, लेकिन सीढ़ी के चित्र में चार राजा है, तीन रानियां है। जी सीढ़ी चित्र में चार राजा है, तीन रानियां है।
हाँ जी, लेकिन ब्रह्मचर्य के चित्र में चार राजा चार रानियां। जो त्रिमूर्ति का चित्र में दिखाया गया है वो ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना दिखाई गई है या नरक की स्थापना दिखाई गई है या पुरुषार्थी जीवन दिखाया गया है? पुरुषार्थी जीवन दिखाया गया है। सीढ़ी की चित्र में है पुरुषार्थी जीवन और ब्रह्मा के द्वारा जो स्वर्ग की स्थापना दिखाई गई है वो स्वर्गीय जीवन दिखाया गया है। तो स्वर्गीय जीवन में चार और चार आठ होंगे या एक कम होगा? आठ होंगे। ये आज की दुनिया का नारकीय जीवन है जिसमें तालमेल नहीं दिखाई पड़ता है स्त्री पुरुष के बीच में, इसलिए ये बेमेल दिखाया गया है। और पहले कलश रखा था, कलश रखता है, कलश ये खोपड़ा कलश है, ये जो बुद्धि रूपी कलश है ना, ये कलश है, बिना इसके कोई काम नहीं हो सकता। कोई भी अनुष्ठान किया जाएगा बुद्धि के अनुसार ही किया जाएगा, नहीं तो कोई अनुष्ठान सिद्ध नहीं होता है। कलश इसको कहा जाता है, ये मिट्टी का घड़ा है। भगवत में चतुर्थ अध्याय द्वितीय श्लोक एवं परंपरा का, अरे कोई पूछ रहा है तो पूरी बात हो लेने दो ना। हाँ, श्रीमद् भागवत में चतुर्थ अध्याय द्वितीय श्लोक एवं परंपरा प्राप्त इमं राजत स्वयं विधि सहकाला नियम महता। आप हिंदी में पूछिए ना, क्या बात पूछना चाहते हैं? एवं परंपरा प्राप्त इसका अर्थ क्या है? परंपरा वो लोग समझते हैं कि ये परंपरा से प्राप्त हुआ है, लेकिन परंपरा जो है वो द्वापर युग से नहीं होती है। परंपरा तो वास्तव में संगम युग की पड़ी हुई है जो लोगों की बुद्धि में नहीं है। परंपरा जो चीज होती है वो द्वापर सतयुग और त्रेता में गायब कैसे हो गई, तो उसे परंपरा नहीं कहा जा सकता। ये तो मनुष्यों की बनाई हुई परंपराएं हैं। वास्तव में ईश्वरीय जो परंपरा है वो ही आकर के द्वापर युग से शुरू होती है भक्ति मार्ग में। और तो ब्रह्मा ने अपने टाइम पर हाजिर हुआ है संगम युग में? ब्रह्मा अपने टाइम पर हाजिर हुआ, ब्रह्मा अपने टाइम पर मतलब ब्रह्मा का पाठ अपना टाइम पर चला और उसके बाद शंकर का पाठ भी चला, फिर वैष्णव को आह्वान क्यों करना पड़ता? जो सच्चाई है उसे आह्वान करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? है बाप दो हैं या एक है? कौन कौन से? दोनों सच्चे हैं या एक सच्चा एक झूठा है? तो फिर और आह्वान करने से सच्चाई रहता है? सच्चाई को आवाहन करने से ही सच्चाई आती है, गुणों का आवाहन करने से ही गुण आते हैं, अब गुणों का आवाहन करने से अब गुण आते हैं। एक आदमी बोलो। हाँ, मोहब्बत की याद सच्ची याद होगी और जो मेहनत की याद होगी वो झूठी याद होगी। बेविचारी याद है तो झूठी याद है, अब बेविचारी याद है तो मोहब्बत की याद है। असली मोहब्बत वही है जो अब बेविचारी है। और लेकिन
हाँ अंधा है तो उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ हाँ क्या है, तो हम तो अच्छा जाने हैं अर्जुन जगह लेकिन संजय का नाम। हाँ उनको देखने के लिए संजय का आधार लेना पड़ता है, खुद नहीं देख सकते कुछ भी। सच्चाई खुद प्रत्यक्ष होता है, आह्वान करने की क्या जरूरत है? खुद भी उन्हीं को प्रत्यक्ष होता है जिन्होंने सच्चा पुरुषार्थ किया होगा। बाकी जिन्होंने सच्चा पुरुषार्थ किया ही नहीं है उनके लिए प्रत्यक्ष ही नहीं होगा। तब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा जब तक वो सच्ची राह पकड़ेंगे नहीं। सबके लिए अलग अलग टाइम भी अलग अलग है। सबका सतयुग प्रत्यक्ष होने का टाइम अलग अलग है। कृष्ण वाली आत्मा सतयुग के आदि में ही सत्य प्रत्यक्ष कर देगी और कलयुग के अंत में जन्म लेने वाली आत्मा को सतयुग कब आएगा? कलयुग के अंत में ही सतयुग आएगा, उससे पहले सत्यधाम उसे है ही नहीं नसीब। तो बोलता है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, जब तुम्हारा अंदर में विकार विनाश हो जाएगा तब तुम्हारे लिए विनाश होगा। तो वो जो घड़ी घड़ी हो रहा है और कलयुग का आयु 432,000 वर्ष और कैसे 2036 में ध्वंस हो जाएगा? कलयुग का आयु वो लाखों वर्ष किसने लिखी? गीता में लिखा था कि 432,000 नहीं लिखा, गीता में झूठ लिख दिया मनुष्यों ने। गीता मनुष्यों की लिखी हुई है या भगवान की लिखी हुई है? अरे गीता किसने लिखी है? मनुष्य विकारी होते हैं निर्विकारी होते हैं? जल्दी जल्दी बोलो ना, दूसरों को बोलने का मौका दो। विकारी मनुष्य ने जो गीता लिखी है उसमें विकृत आधार पर सारी गणना कर दी है। भगवान सच्चा आकर के बताता है, जैसे और धर्म पिताएं आए उन्होंने मुख से आकर के बोला है, कोई धर्म ग्रंथ नहीं लिखा है, ऐसे ही भगवान ने आकर के मुख से बोला है, कोई गीता आकर के नहीं लिख दी है। भगवान जो बताता है उसे टैली करके देखो बुद्धियों के आधार पर, सही बात है या झूठी बात है। 5,000 वर्ष की हिस्ट्री बताई जा सकती है या लाखों वर्ष की हिस्ट्री बताई जा सकती है? बुद्धियोग से सोचो, 2,500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्य की क्यों मिल रही है प्रूफ और प्रमाण सहित? उससे ऊपर का कहां गया? जितने भी धर्म चल रहे हैं दुनिया में उनकी जो तवारीखें हैं, उनकी जो तिथियां हैं, चाहे ख्रिस्त संबत हो, चाहे ईसवी संबत हो, चाहे विक्रम संबत हो, ये 2,500 वर्ष के अंदर ही क्यों है? इससे पहले की क्यों नहीं है? दुनिया तो लाखों वर्ष पुरानी है मनुष्यों की, इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हुआ कि दुनिया के जितने भी झूठे धर्म हैं वो 2,500 वर्ष के अंदर स्थापन हुए हैं। एक देवी देवता सनातन धर्म है जिसकी कोई तवारीख नहीं है। ये विक्रम संबत भी अभी शुरू कर दिया है, इसका तो नाम ही है विक्रम संबत, जब से विक्रम शुरू हुए। देवताएं तो सुकर्मी थे, विक्रम करने वाले नहीं थे, उनकी तो कोई हिस्ट्री ही नहीं है। पुराण पंथी को हिस्ट्री नहीं कहा जाता है, वो कोई प्रूफ और प्रमाण नहीं है। तो 2,500 वर्ष की दुख की हिस्ट्री मिल रही है मनुष्यों की,
दुख होता है तो आदमी दिन गिनता है, तब हिस्ट्री बनती है। जो सुखी ही सुख में रहते थे उनको हिस्ट्री की दरकार ही नहीं थी, वो तवारीखें नहीं गिनते थे, दिन नहीं गिनते थे। तो दुख की दुनिया जब से शुरू हुई है तब से रात शुरू हुई है अध्यारी, अज्ञान की रात। उससे पहले दुनिया में 2500 वर्ष दिन था, उसकी तवारीख रखने की दरकार नहीं है। ये सच्ची बात बाप आकर के बताते हैं कि आधा दिन है आधा सुख आधा रात है, दिन और रात का ये चक्र सदैव चलता ही रहता है। 2500 वर्ष की दिन 2500 वर्ष की रात, ये कभी चक्र समाप्त होने वाला नहीं है।